में पीएचडी प्रवेश के मुद्दों पर छात्रों को लेकर बीएचयू प्रशासन द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, जिससे गुरुवार को छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। सभी धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र गुरुवार को सेंट्रल ऑफिस कार्यालय पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी करने लगे। छात्रों के पहुंचने पर सुरक्षा कर्मियों ने सेंट्रल ऑफिस को अंदर से बंद कर दिया, जिससे छात्र आक्रोशित हो गए और वहीं पर दो छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए। छात्रों को कहना है कि हम लोगों की 5 सूत्री मांगों को नहीं माना गया है, नहीं कोई उसे पर विचार किया गया। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2023 से 24 अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। छात्र एक साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। इस दिसंबर 2023 में नेट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पिछली प्रवेश प्रक्रिया में मौका नहीं दिया गया एवं आने वाले प्रवेश प्रक्रिया में भी उनको रोके जाने की बात कही गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले भी आप हमारे पास आ चुके हैं, हम लोग 16 दिनों से धरनारत हैं। आज क्योंकि विद्यालय प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी है तो हम आमरण अनशन की तरफ अब बढ़ रहे हैं। आज हमारा आमरण अनशन शुरू हो रहा है। आज हम दो लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, दिव्यांग सर दुबे, श्यामल कुमार। और यहाँ पे क्या मांग करते हैं, क्या मांगे थे, कितनी सूत्रियाँ? हमारी कई मांगे थी विद्यालय प्रशासन में, जितनी भ्रष्टता इस समय लिप्त है उनको लेकर के हम लोगों ने पहली जो हमारी मांग थी नेट दिसंबर को लेकर के, नेट दिसंबर उत्तीर्ण विद्यार्थी थे उनको पिछले प्रक्रिया मौका नहीं दिया गया था। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली प्रवेश प्रक्रिया में भी कहा गया कि इन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। एक तरीके से पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी लॉस है का केस है, जो कि आप छात्रों को जो नेट पास है उनको आप पीएचडी प्रक्रिया में बैठने का ही मौका नहीं देंगे। दूसरी बात है विद्यालय प्रशासन, आप देखेंगे विद्यालय में जो पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, लगातार पेड़ों की कटाई चल रही है। तीसरी बात है छात्रों को जबरदस्ती चिन्हित करके उन पे जो है मुकदमा कराना, उन पे कमेटी बैठाना, उनको यूनिवर्सिटी से डिबार करना, छात्रों को हॉस्टल से डिबार करना, छात्रों को बोलने ना देना, एक तरीके का तानाशाही प्रशासन जो है विद्यालय प्रशासन एक तरीके से बन चुका है, लिप्त हो चुका है इसमें। और आगे आप देखेंगे फीस वृद्धि का मामला है कि लगातार जो लेट फीस है उस पर फीस बढ़ाया गया, छात्रों से जो हॉस्टल खाली किए उनसे 3-3 हज़ार रुपये फीस वसूला गया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज छात्र जो है धरना रहते हैं। आप लोगों ने परीक्षा नियंत्रण से भी बातचीत की? परीक्षा नियंत्रण को हमने 1.5 महीने पहले ज्ञापन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 16 दिनों से हम लोग धरना में बैठे रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार मीटिंग का मीटिंग दौर चलता रहा, ये लोग UGC का हवाला दे रहे हैं जबकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। UGC की जो गाइडलाइन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहा गया है कि आप इस तरीके से प्रक्रिया अपनी पूर्ण करा सकते हैं, आपके ऊपर कोई जो है रूल थोपा नहीं गया है। आप वहीं देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसने वो भी सेंट्रल से हम बात करेंगे वो, और बात करना ही था तो 1.5 महीने का समय हम लोगों ने दिया था, आज तक आपने बात नहीं किया, आज तक आप छात्रों को बरगलाते रहे। अब जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा तब आज हम जो है अनशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अनिश्चित काल तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग इसी तरह अनशन पर रहेंगे, या तो विद्यालय प्रशासन जीतेगा या फिर हम लोग जीतेंगे। यहाँ तक किसी से बातचीत या कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई अभी तक आज आप देख लीजिए अभी तक कोई सुध नहीं आया। सिर्फ हमारे पास आप देखेंगे सुरक्षा अधिकारियों को भेजा गया कि इनको आप रोकिए, सुरक्षा अधिकारी इनका काम है ये हमसे कह रहे हैं कि आप लोग अंदर नहीं घुस सकते, हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, रजिस्ट्रार से मिलने के लिए जा रहे हैं, छात्र मिलेगा। आज तक इस विद्यालय में कोई भी छात्र जो है VC से नहीं मिल पाया है। VC साहब मेल करने के लिए कहते, हमने मेल किया उनको, आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। रजिस्ट्रार सर से मिलने के लिए गए, वहाँ से हमें कोई जो है उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कंट्रोलर सर से मिलने गए, वो कहते हैं कि आपका काम है बैठा, आप हमसे पूछ के नहीं बैठे, आपको जो कर सकते हैं मैंने करिए। तो इस तरह से जवाब विद्यालय प्रशासन हम लोग को लगातार देता रहा है। हमारे पास जब कोई विकल्प नहीं बचा तब आज हम लोग गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन की तरफ बढ़ रहे हैं।